चलो शाह जी, बुलावा आ गया, उठो उठो, टाइम हो गया, उठो उठो आओ। सर जी, सर कैदी हाजिर है। सर प्रमदत्त, ये कैदी का लिबास उतार कर शरीफों वाले कपड़े पहन लो, क्योंकि जिस जलसे में तुम जा रहे हो और तुम्हें इनाम मिलने वाला है, वहां शहर के बड़े बड़े मुअज्जिज लोग आने वाले हैं, और उन लोगों के दरमियान तुम्हें भी एक इज्जतदार इंसान बनकर शामिल होना है। पहन लो इन्हें। किताब जिसका उन्वान है जंगल का कानून, इसको आपके संस्था ने पुरस्कार दिया है और मुझको एक मौका दिया कि जेल की बंद चार दीवारी से बाहर निकलकर खुली फिजा में थोड़ी देर के लिए सांस ले सकूं। यह तकदीर का मजाक नहीं तो और क्या है? यह हाथ जिनमें हथकड़ियां लगाई गई थी, हथकड़ियां जिनमें लगाई गई थी, आज उन्हीं में न्याय ज्योति का पुरस्कार दिया जाएगा। जंगल का कानून एक प्रोटेस्ट है, एक मांग है इस समाज से कि वो लोच ले इस देवी की आंखों से ये पट्टी, ताकि ये देख सके, बचा सके बेगुनाहों को अपने अंधे फैसलों से, और पहचान सके दुष्ट गुनाहगारों के चेहरे। आभारी हूं मैं आपका और आपकी संस्था का जिसने मुझे पुरस्कार दिया, साथ दिया मुझे एक ये खूबसूरत मौका इस महान देवी के दर्शन का, जिसके नाम मैं अपनी ये किताब समर्पण करता हूं। कई वर्षों के बाद जेल की सलाखों के बगैर मैं अपनी पत्नी सुजाता को देख पा रहा हूं। अगर सुजाता ना होती तो यकीनन मैं भी ना होता, और अगर मैं ना होता तो यकीनन ये किताब भी ना होती। धन्यवाद दोस्तों। इस जलसे के मुअज्जिज मेहमान श्री ब्रह्मदत्त जी को उनकी किताब जंगल का कानून के लिए न्याय ज्योति का पुरस्कार देंगे श्री इंद्रजीत जी।
आइए आइए। मैं ये नाम लूंगा, नापाक कर दिया तूने, नापाक कर दिया इसने न्याय ज्योति के इस पुरस्कार को छूकर। नहीं ले सकता सर, नामुमकिन। मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? क्या जंगल का कानून लिखने के बाद आप भी जंगल के कानून पर विश्वास करने लगे हैं? चीफ गेस्ट, मिस्टर इंदर जी से आपकी क्या दुश्मनी है? मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? बताइए ऐसा क्यों? आखिर कुछ तो बताइए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर क्यों? तो बताइए। सुनिए, देखिए तो सोनू ने क्या कर लिया, सारी गोलियां निकल गई। नहीं डॉक्टर साहब, सोनू की बात कर रहा हूँ, नींद की 30-40 गोलियां खा गई है वो। किसी हाल में भी उसे सोने मत दीजिए, मेरे आने तक उसे जगाए रखिए, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आंखें खोलो सुनो, देखो मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ बेटी, मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूँ। मुझसे भूल हो गई बेटी, उससे मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मेरे दिल में तुम्हारी भलाई के सिवा और कुछ नहीं था, मुझे माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सुनो सुनो, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी। एक ही बेटी है मेरी, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा ब्रह्मदत्त, घबराता क्यों, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा ही होगा, तू फिक्र मत कर। ठीक ही है, बस थोड़ा सा पल्स रेट और बीपी हाई है। बिटिया को ऑब्जर्वेशन के लिए रात भर नर्सिंग होम में रखना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? अरे पर कह तो रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। अरे नर्सिंग होम से वापस आने के बाद बेटी के हाथ पीले करने का इंतजाम करते हैं हम। हाँ में जान है हम तीनों की।
हम तीनों की पहचान है, हम तीनों की तू पहचान है, हम तीनों की, हम तीनों की जाए तो उसकी तलाश करनी ही पड़ती है। ना तो मैं रास्ता भूला हुआ हूँ और ना खोया हुआ हूँ। तुम झूठ बोलते हो। तुम दौलत और लालच के जंगल में खोए हुए वो जानवर हो जो अपने घर का रास्ता भूल चुका है। क्या बकती हो? मुझे सब मालूम हो चुका है। तुमने मुझे ही नहीं अपने मासूम बच्चे को भी धोखा दिया है। आज आज उसका जन्मदिन है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिर तुम्हें क्या हक था कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर खुद एक अमीर लड़की से शादी करके अय्याशी की जिंदगी हासिल कर लो? हासिल करना तो हर इंसान का हक होता है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे जीवन की एक ही आकांक्षा थी, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। सक्सेस एट एनी कॉस्ट। जब एक इंसान कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरे इंसान को सीढ़ी बनाता है तो वो इंसान इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है, और तुम वही जानवर हो। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त सच्चाई बताकर तुम्हारी इस हैवानियत की बहुत बड़ी सजा दिलवा सकती हूँ। तुम मेरी भी सुन ले कि गरीब के सच की कीमत जितनी कम है, एक अमीर के झूठ की कीमत उतनी ही ज्यादा है। और आज मैं कामयाब इंसान हूं, और हाँ, मैं तुम्हारे जज्बात की कीमत जरूर अदा कर सकता हूँ अभी इसी वक्त। मैं कोई पेशावर औरत नहीं हूँ। मुझे कीमत नहीं, हक चाहिए, अपना हक, अपने बच्चे का हक। मुझे वो हक भी मंजूर है अगर तुम्हें अपने सुहाग और सिंदूर का बंटवारा मंजूर। हरगिज नहीं, तुम्हारी ये सौदेबाजी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। चलो, तुम्हें सौदेबाजी मंजूर नहीं, ना सही, लेकिन मेरी कामयाबी में हिस्सेदार तो तुम बनी सकती हो। वो कैसे? बताता हूं। इससे साइन चेक, जो चाहो लिख लो। लिखूंगी तुम्हारी मौत। एक बात और याद रखना, एक दिन तुम्हारे बेटे के हाथों ही इस चेक को कैश करवाऊंगी। हाँ। आ गई माँ। माँ
सोफे में पापा को ले आओगी। कहाँ है वो? माँ, तुम तो कहती थी कि पापा साथ आएंगे, फिर तुम अकेले क्यों आई? तुम्हारा पापा नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? तुम झूठ क्यों बोलती? क्यों नहीं? मैंने कहा ना नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तुम झूठ बोल रही हो। क्या क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम झूठी हो, तुम हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मुझे नहीं मानी अपनी सालगिरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए, मेरा पापा चाहिए। उसी कमी नहीं की औलाद है, तेरी रंगों में भी उसी का गंदा खून बह रहा है। जा, जाकर मर जा, मर जा, चला जा यहाँ से, चल जा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, जाता हूँ मैं, वापस कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। मेरा बच्चा, विजय रुक जा, रुक जा विजय। एक रोटी दे दो साहब। चल बे, रास्ता पकड़। दो दिन से कुछ भी नहीं खाए साहब। अबे मैंने तेरे बाप से कर्जा लिया है क्या? काम मर गया वो हराम ज्यादा साला तुझे पैदा करके। गाली क्यों दे रहे हो साहब? अबे गाली नहीं दूं तो क्या तेरा मुंह चूमूं? मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी है साहब। अबे हराम के पिल्ले, क्या तेरी माँ मेरी रखेल है जो तुझे रोटी देने का ठेका दे रखा मैंने? ने मेरी माँ को गाली दी? हराम साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हराम साले, गंदी नाली के कीड़े, तूने मेरी बाटली तोड़ दी। तूने गाली क्यों दी? साले गाली की बात करता है, अब तुझे गाली नहीं गोली भी दूंगा। बहुत भूख लगी थी ना तेरे को, ये ले। किसी ने कुछ नहीं देखा, चलो। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, ये गोली तुम्हारे पेट में थी। किसने मारी थी ये गोली तुम्हें? किसी ने नहीं डॉक्टर, मैं पूछता हूँ क्यों मारी मुझे ये गोली? मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी थी, उसने मुझे गोली क्यों मारी? सिस्टर तुम बताओ, मैंने जब रोटी मांगी तो उसने गोली क्यों मारी? बाबा, ओ बाबा, मैंने तो रोटी मांगी थी मगर उसने गोली क्यों मारी? क्यों मारी गोली उसने? बेटे आज की दुनिया ही ऐसी है, रोटी मांगो तो गोली मिलती है। ठीक है, आज से मैं भी लोगों के पेट में गोली मारूंगा, सबके पेट में गोली मारूंगा, सबके पेट में। और अब जो तजवीज मैं पेश करने जा रहा हूं, मुझे यकीन है उससे हमारे कंपनी की वर्किंग में और आने वाले साल के मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। जेंटलमैन, मैं जनरल मैनेजर के लिए प्रपोज करता हूं एक होनहार नौजवान का नाम, और वो नाम है मिस्टर इंद्रजीत सबरवाल। आई थिंक ही डिजर्व्स अ बिग हैंड। थैंक यू। और साहिबान, इसके साथ ही हमारी आज की मीटिंग खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। डैडी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने से पहले मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं इंद्रजीत। मैं जानता हूं कि आजकल के नौजवानों को बहुत जल्दी है दौलत हासिल करने की, नाम कमाने की। तुम भी उन्हीं में से हो, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा है कि अपनी इस तेजी के सफर में हर कदम पर इंसानियत की जो अच्छी कदरें हैं, ईमानदारी, सच्चाई और खुलूस, इन तमाम कदरों को कायम रखो, क्योंकि इनका खून करके अगर इंसान कोई दौलत या नाम कमाता है तो वो निगरामी नहीं है, वो उसके माथे पर
पाप का कलंक बनकर रह जाता। डैडी, मैं आपके नेक विचारों और ऊंचे आदर्शों को अपना धर्म मानकर काम करूंगा और एक दिन आपका सही वारिस बनकर दिखाऊंगा। भाई ब्रह्मदत्त, मैं तो भूल ही गया था, क्या ये रहे तुम्हारे हवाई जहाज के दो टिकट, तुम्हारा और भाभी का। कहाँ के हैं? कश्मीर की हैं। अब हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मना सकते हैं। भाभी की भी ख्वाहिश है कि कश्मीर की सैर की जाए, तो आपके लिए होटल का कमरा बुक कराया और ये दो टिकट। वो मोहिनी के इम्तिहान, मोहिनी के इम्तिहान दो दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, हम लोग भी आपको ज्वाइन कर लेंगे बस। कौन कौन? आप शायद इंसानों से ज्यादा आप परछाइयों से डरते हैं। दूसरों की परछाइयां छोड़िए, बड़ा मुंह छोटी बात, मैं तो खुद की परछाई से भी डरता हूं सरकार। आपके दिल में कोई चोर है। चोर? जी हाँ, मेरे जीएम बनने पर सबने तालियां बजाई मगर आपने नहीं। वो क्या है कि मेरा, इसीलिए तो कहता हूं कि आपके दिल में जरूर कोई चोर है। और मैंने ये भी सुना है कि बेईमानी हेरा फेरी अगर इस फैक्ट्री में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? घबराइए नहीं, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। लेकिन सरकार, आप तो मालिक के दामाद हैं। मैं किसी का दामाद नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का बाप नहीं। मेरा इस दुनिया से सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है कामयाबी का रिश्ता, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। फिर तो आपके साथ नाइंसाफी हुई है सरकार। वो कैसे? सारे अधिकार तो ब्रह्मदत्त साहब और प्रेमचंद साहब के हाथ में रहेंगे, आपको तो सिर्फ एक रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सरकार बात कड़वी सही लेकिन शोले आने सच है। जीएम अगर रबर स्टैंप बन सकता है तो रबर स्टैंप जीएम कैसे बन सकता है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ओ, आई कैन सी योर पॉइंट। सरकार, आप मेरी पॉकेट गर्म करते रहिए, मेरे दिमाग की मशीन तेज चलती रहेगी। तो इसका मतलब है आपको शतरंज खेलनी? बहुत अच्छी तरह सरकार। तो आप मोहरे चलना कब से शुरू करेंगे? जब आप कहेंगे सरकार। Why not right now? अगर आपका यही हुक्म है तो फिर देखिए मेरी पहली चाल। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? For what? आपकी स्टील फैक्ट्री के नाम जो लाइसेंस इश्यू हुए हैं उन्हें ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ रुपए में बेचा गया है। ये क्या बकवास है? मैंने कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं बेचा। हमारे पास इसका पक्का सबूत है। कैसा सबूत? वो अदालत में पेश किया जाएगा, फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। डैडी, पुलिस आपको कहाँ ले जा रही है? दत्त अंकल के पास आज ही कश्मीर पहुँचना है। तुम फिक्र न करो बेटे, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। माधव, बेबी का ख्याल रखना। जी अच्छा। और हाँ, श्रीनगर ओबराय फोन करके दत्त साहब से मोहिनी की बात करवा देना। डैडी, डैडी, डैडी मत जाइए। मोहिनी, पापा भी आ जाएंगे। चलो चलो मोहिनी बेटी, अंदर चलो। डैडी मत जाइए। डैडी, हेलो। हाँ मोहिनी। अरे भाई क्या हुआ, तुम लोग आए क्यों नहीं? तुम रो क्यों रही हो? रो रही है क्यों? डैडी कहाँ है बेटी? अंकल, डैडी को पुलिस पकड़ कर ले गए। पुलिस पकड़ के लिए? कब, क्यों, किस लिए? 2 घंटे पहले पुलिस आई थी। सोनू दीदी और जीजा जी भी घर पर नहीं थे। फिर मैंने आपको फोन किया मगर आप भी नहीं मिले। हाँ बेटे, हम लोग एयरपोर्ट गए हुए थे ना तुमको लेने के लिए। लेकिन प्लीज मोहिनी रो नहीं, हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू भाई, माफी चाहता हूं प्रेमचंद, जमानत की रकम बहुत बड़ी थी, पर ना कसम परवरदिगार के एक दिन भी हवालात में बंद न रहने देता। दरअसल मकान गिरवी रखने के कागजात बनाने में वक्त लग गया। भाई मुश्ताक,
जो एहसान तुमने मुझ पर किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हम मारो गोली एहसान को, मगर एक कमबख्त ब्रह्मदत्त को जमानत के वक्त ही गायब होना था। मुझे क्या मालूम था कि मेरी जाते ही यहाँ कयामत टूट पड़ेगी। खबर मिलते ही मैं लौट आया यहाँ पर। तो कहाँ है वो? हाँ ये देखो, हाई कोर्ट के जज के चेंबर से जमानत के कागजात लेकर आया। जिसका जमीर जिंदा है उसने जमानत दे दी है, जिसका जमीर मर चुका है उसकी जमानत से फायदा? ये मुझसे कह रहे हो तुम? हाँ तुमसे कह रहा हूं। 3 दिन लगे तुम्हें श्रीनगर से यहां पहुंचने तक, फासला तो सिर्फ 1 दिन का था। हवाई जहाज और ट्रेनें कोई मेरी मर्जी से तो चलती नहीं है भले आदमी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो जहाज जा चुका था। उसी रात मैंने टैक्सी ली, टैक्सी लेकर जम्मू गया, जम्मू से दिल्ली आया, दिल्ली से बंबई पहुंचा। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या तुम्हारा विश्वास मुझ पर से बिल्कुल उठ जाएगा? विश्वास? कैसा विश्वास? मुझसे छुपाकर लाइसेंस कोटे का माल तुमने ब्लैक मार्केट में बिकवा दिया और हथकड़ियां मुझको लगवा दी। अगर मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा था तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद ही हट जाता। तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो ब्रह्मदत्त। जो खोट तुम मुझ में निकाल रहे हो ना प्रेमचंद, वो खोट तुम्हारे दिमाग में है। मैं जितना समझता था उसे कहीं ज्यादा बेवकूफ निकले तुम। 3 रातें पुलिस लॉकअप में मैंने काटी हैं ब्रह्मदत्त, और ये तोहफा तुमने मुझे दिया है, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ब्रह्मदत्त। प्रेमचंद तेरी हिम्मत हराम खोर कबीले, तूने फैक्ट्री का नमक खाकर फैक्ट्री के साथ नमक हरामी की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारे से मारे 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 शाले के मुंह से छाल निकले। शाले छाल मारे से मारे में गिर गया। उठा शाले, उठा मारो मुझे, उठा शाले मारे से मुझे छाल। ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये सब? सर यही है वो अपराधी जिसने गद्दारी की है, इसी ने गोडाउन की चाबियां चुराई और फैक्ट्री का माल ब्लैक मार्केट में बेच दिया। वहीं से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी छोड़ूंगा। मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे बचा लीजिए साहब, मेरे से गलती हो गई। आंखों से ही मक्कारी झलक रही है साहब। साहब चल चल चोर शाले शाले चल। देख लिया महाशय, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो अपने आप ही पूरा हो गया। अब कोई जरूरत नहीं है अपनी बेगुनाही का सबूत देने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे एक बात ध्यान से सुन, अब मुझे हल्के से एक घुसा मार दे। हाथ आ गया दौड़ा, मेरे जबड़े का कर दिया कबाड़ा। सुन मेरे जाने के बाद ठीक 15 मिनट के बाद जैसे मैंने समझाया वैसे टेलीफोन कर देना। ओके। पिछले 25 बरस से हमारी कंपनी में कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ इंद्रजीत। मार्केट में वी हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, हमारी इज्जत थी, हमारी साख थी, वी हैड अ रेपुटेशन। फिर ये बददुमा दाग हमारे दामन पर लगा कैसे? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सर आप तो जानते हैं जब से मैं GM बनकर आया हूं कितने लोग मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि मैं आपका दामाद हूं। इसमें रिश्ते नाते का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यू आर ए जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी और इस हैसियत से इस वाक्य की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। मैं मानता हूं सर, लेकिन छगन आपका पुराना वर्कर है, उसने इकरार किया कि गोदाम की चाबियां उसने चुराई। जुर्म उसने किया और आपके कहने के मुताबिक मैंने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। तो जुर्म के इतने दिनों बाद तुम्हारी नजर पड़ी चोर पर? ये एक आदमी का काम नहीं है इंद्रजीत, इसके पीछे बाकायदा कोई साजिश है। आप समझते हैं इस साजिश में मैं भी शामिल हूं, तो फिर मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूं। मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, पुलिस के हवाले कर दीजिए, सेंड मी टू जेल। अगर मेरी ईमानदारी और वफादारी का यही नाम है तो मुझे मंजूर है ये सजा। हेलो, मैं छगन बोल रहा हूँ। छगन? हाँ सर, मेरी बात खामोशी से सुनिए। ये सब जो आपके सामने हो रहा है ये ब्रह्मदत्त और उसके दामाद का मिला जुला ड्रामा है। मिली भगत है आपके खिलाफ, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया बल्कि कुछ रुपए देकर मुझे शहर से बाहर भेज दिया गया। आप नेक आदमी हैं, मैंने आपका नमक खाया इसलिए फोन किया। अब रखता हूँ। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। छगन के पास तो पिस्तौल निकली, बड़ा मुंह छोटी बात सरकार, उसने अपनी लंबी सी नली मेरी छोटी सी कनपट्टी पे रख दी और जब मैंने हैंड जंप किया तो उसे डबक डबक 8-10 पेट में और 2-4 मुंह पे रख दिए और वो भाग गया सरकार।
आप पुलिस को टेलीफोन करो जल्दी। क्या बकते हो, क्या तुम गाड़ी में अकेले थे? बंद करो ये नाटक बरामदा, बहुत हो गया। हाँ नाटक, टेलीफोन पर छगन ने तुम दोनों की मिली भगत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। क्या छगन का टेलीफोन था? छगन का टेलीफोन था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। छगन को भी तुम्हारी आंखों के सामने मैंने पुलिस स्टेशन भेजा है। छगन तो पुलिस स्टेशन गया ही नहीं था, वो तो बीच रास्ते में फरार हो गया था, क्योंकि उसे फरार होने की कीमत दी गई थी, उसे फरार होने का मौका दिया गया। झूठ है। अच्छा, बकवास है, बतान है सरसर। इंद्रजीत तुम चुप क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी और मेरी साजिश है इस शख्स के खिलाफ? उससे क्या पूछते हो ब्रह्मदत्त, मुझसे पूछो। दौलत के हवस के लिए तुम दोनों के नाटक का आखिरी सीन है ये। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ब्रह्मदत्त कि तुम अपनी चाल में कामयाब हो गए। अगर एक और लफ्ज भी मैंने तुम्हारे मुंह से सुना तो भगवान की कसम मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। गला तो तुम कब का दबा चुके हो ब्रह्मदत्त, दोस्ती का गला, और उसी दोस्ती के साथ आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप भी खत्म, खत्म। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ ब्रह्मदत्त। प्रेमचंद प्लीज, गुस्सा थूक दे यार, गुस्सा थूक दे। भूल गए हम दोनों बचपन के दोस्त हैं? मुझे अपनी सुजाता की कसम है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं मैं निर्दोष हूं। ये किसी कमीने की गहरी साजिश है जो एक दिन खुल के रहेगी, लेकिन इतनी सी बात के लिए यार जिंदगी भर की दोस्ती का बंधन मत तोड़ प्लीज। प्रेम प्लीज, प्लीज प्रेम। वो बंधन टूट गया ब्रह्मदत्त। अंकल, तीनों दोस्तों का परिवार इस तरह टूटकर क्यों बिखर गया? किसका कसूर है ये? कसूर? कसूर किस्मत का है बेटी, नजर लग गई जमाने की, जिंदगी कितनी कम है मोहब्बत के लिए, फिर नफरत के लिए वक्त कहां से मिल जाता है? ये बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती? मगर मैं तो अंकल आपसे भीख मांगने आई थी। भीख? तू मेरी बेटी की तरह है, सलीमा से शादी हो गई होती तो तुम्हारे बराबर की बेटी होती मेरी। और सुन, बाप बेटी को भीख नहीं देते, तोहफे में अपनी जान देते हैं। बता बता क्या चाहिए तुझे? आप तीनों की मुस्कुराहटें, आप तीनों की खुशियां और आप तीनों की दोस्ती, बस यही भीख मांगने आई हूं आपसे। बेकार, कितनी कोशिशें की मगर दोनों बजिद, कमबख्तों को एक जगह इकट्ठा करना भी नामुमकिन है। नहीं अंकल, मुमकिन है। वो कैसे? कभी कभी झूठ की धार सच की तलवार से भी ज्यादा तेज हो सकती है। झूठ? कौन सा झूठ? बुरा ना मानिएगा अंकल, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या फिर भी वो दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त के लिए इकट्ठा नहीं होंगे? शायद होंगे, मगर उससे क्या होगा? अंकल कहते हैं अगर दुश्मनों को भी गुफा में बंद कर दिया जाए तो दोनों दोस्त बनकर निकलते हैं, फिर वो दोनों तो दोस्त हैं। अगर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कब तक दुश्मनी निभाएंगे? सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और दोनों दोस्त फिर गले लग जाएंगे। शाबाश, तुमने तो अंधेरे में रोशनी दिखा दी। या खुदा, मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि मेरे दोनों दोस्त एक साथ मेरे सामने मौजूद हो, चाहे वो मेरी लाश परी क्यों ना हो, चाहे वो मेरी लाश परी क्यों ना हो। हेलो, क्या बक रहे हो तुम? मुश्ताक अली को गोली लग गई? जी हाँ, एक कैदी फरार हो रहा था, जेलर साहब ने उसका पीछा किया, उसमें फायरिंग हुई। कैदी तो खैर पकड़ा गया, जेलर साहब भाग गए। क्या मतलब? मेरा मतलब जेलर साहब घायल हो गए, उनकी जान खतरे में। अबे गधे, कह कि मेरी चंद सांसें बाकी हैं। जी हाँ, मेरी चंद सांसें बाकी हैं। मेरा मतलब जेलर साहब की चंद सांसें बाकी हैं। मगर यह हादसा हुआ कहाँ और मुश्ताक अली कहाँ है? सर, ये हादसा हुआ कहाँ है? आपका मरने वाला बॉडी किधर है? अरे बोल, स्टील फैक्ट्री के पास मेरी बॉडी रखी हुई है, बोल। जी हाँ सर, ये हादसा स्टील फैक्ट्री के पास हुआ है, जेलर साहब के जख्मी शरीर को उठाकर फैक्ट्री के ऑफिस में रखा गया है। मैं अभी आता हूँ। प्लीज। मुश्ताक कहाँ? सर अंदर हॉल में। अंदर? जी। Yeah.
ये गोली किसने चलाई है? प्रेमचंद, ये तूने क्या किया? गोली का निशान, गोली की तरफ हाथ क्या दिखाता है? मैंने तुमसे दोस्त की दोस्ती मांगी थी, उसकी मौत नहीं मांगी थी तुमसे ब्रह्मदत्त। ये तूने क्या किया ब्रह्मदत्त, ये तूने क्या किया? ये रिवॉल्वर किसका? ये पिस्तौल? ये रिवॉल्वर तो मेरा है, लेकिन यहां कैसे आया ये? मैं बताता हूं ब्रह्मदत्त, तुम लाए हो इसे अपने दोस्त के खून का इरादा लेकर, ताकि अपने दोस्त की दौलत हासिल कर सको। तुमने अपने दोस्त पर गोली चलाई है, तुमने मेरे दोस्त पर गोली चलाई है ब्रह्मदत्त। क्यों चलाऊंगा मैं गोली अपने ही दोस्त पर? ये मेरा भी तो दोस्त है। तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ पहले से ही शक और शुबे का फुतूर था। हम दोनों बढ़ रहे थे आगे एक दूसरे से गले मिलने के लिए। क्यों चलाऊंगा मैं गोली इस पर? गलत है इसका इल्जाम, झूठ बोलता है। हर मुजरिम यही बोलता है ब्रह्मदत्त, लेकिन कानून आखिरी फैसला खुद करता है, और मैं ले जाऊंगा तुझे कानून के पास, ताकि तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिल सके। ये अदालत मुजरिम ब्रह्मदत्त को मकतूल प्रेमचंद के खून के इल्जाम में जेर दफा 302 ताजिरात हिंद के तहत 12 साल कैद व मशक्कत की सजा देती है। याद रखना, तुम यहां एक कैदी हो और मैं जेलर। आज से सिर्फ यही एक रिश्ता होगा तुम्हारे हमारे दरमियान, कोई रियायत कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बंद कर दो दरवाजा। यस सर। क्यों दुखी होंदे हो शाह जी? जेल की जिंदगी कभी कभी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होंदी है। अजी मैं तो कहता हूं सबको एक बार जेल आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े नेता अभिनेता एक न एक बार तो यहाँ आते ही है। दो चार खून, 10-5 डकैतियां, कौन सी बड़ी बात है, सब चलता है। और फिर आपको तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं शाह जी, मुंगेरी लाल आपकी सेवा में हाजिर है 8 पहर। यहाँ के सब जेलवासी साढ़े मां में चाचे लगते हैं, और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। झूठे दा मुंह काला, ए देखो जी कोई देख तो नहीं रहा साला, ए खुला दरवाजे दा पट। बीड़ी, चारमीनार, पनामा, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लाइफ बॉय, सिंथॉल, देशी ठर्रा, रम, सब कुछ मिलता है चलती फिरती दुकान में। ताश दे पत्ते 555। ओ शाह जी, मैं ही बकवा किए जा रहा हूं, तुसी भी कुछ बोलो। गूंगे हो? ओ भाई कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो मैं दुकान बंद करूंगा, चलूं दूसरे ग्राहक के पास। कागज मिलेगा? कागज और एक कलम। शाह जी, न ये पाठशाला है न सरकारी दफ्तर, फिर भी तुसी कहते हो तो कलम और कागज लेके आता हूं। नहीं तो ये मुच्छी है ना मुच्छी, इसको उस तरह से मुंडवा दूंगा। और दुकान दी बदनामी दा सवाल है ना सर। लाया लाया। पहली बार किसी ने कागज मांगा। ये देखिए मजी, कोर्ट का ऑर्डर, अपनी स्टील फैक्ट्री, उससे कनेक्टेड सारी प्रॉपर्टी, ये मकान वगैरह, हर चीज के लिए नीलामी का नोटिस आ गया। तो ये मकान भी? जी हाँ, अफसोस तो इसी बात का है माँ जी, ये मकान भी फैक्ट्री की जायदाद है, और ये भी नीलाम हो जाएगा। मगर इस बात का जिक्र उन्होंने या प्रेम भैया ने तो कभी नहीं किया था। वो इज्जतदार लोग थे ना माँ जी, और इज्जतदार लोग अपने फटे पुराने कपड़े पलंग के नीचे छुपा कर रखते हैं। और हाँ माँ जी, मेरी और सोनू की यही इच्छा है कि आप हमारे साथ रहें। किस्मत मुझसे सब कुछ छीन सकती है, मगर मेरे संस्कार नहीं छीन सकती। बेटी के घर का पानी पीकर मैं अपनी आत्मा को कर्ज के बोझ तले नहीं दबाऊंगी। ओ माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। तो तुम नए जमाने के लोगों ने कौन सा सुख दिया है? मगर आप अकेली जाएंगी कहां? मैं अकेली कहां हूं? जब तक उनके प्यार का सहारा मेरे साथ है, मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। तुम जाओ बेटे, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। लेकिन लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना जाओ। तुम अकेले आए, मम्मी को साथ नहीं लाए? बोलो नरेंद्र। तुम्हारी मम्मी भारत की एक बड़ी आदर्श नारी है, बेटी का कन्यादान करने के बाद उसके घर का पानी पीना भी
उन्हें मंजूर नहीं। मगर इंदर, इन हालात में वो जाएंगे कहाँ? सबकी तकदीर अपने अपने साथ होती है। आज तक तो तुम तदबीर में यकीन करते रहे, आज अचानक तकदीर में कैसे यकीन करने लगे? या फिर अपने झूठे असूलों को अपनी जरूरत के मुताबिक मोड़ लेते हो? क्या बकवास करती हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह समझ रही हूँ इंदर। कौन सी चालें? मोहिनी के सरपरस्त बनकर उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया है और मेरे डैडी को जेल भिजवा कर उनकी फैक्ट्री पर भी कब्जा किया और अब मेरी माँ को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। Shut up, you woman. ऐसी बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मर्द अगर हर तरह के गुनाह करने की हिम्मत कर सकता है तो औरत भी उन गुनाहों से पर्दा हटाने की हिम्मत कर सकती है। गुनाह? हाँ, मुझे यकीन हो गया है जिस जुर्म की सजा मेरे डैडी जेल में काट रहे हैं उस जुर्म के गुनहगार तुम हो। Shut up, वरना। वरना क्या क्या कर लोगे? मेरा खून करवा दोगे उसी तरह जिस तरह प्रेम अंकल का खून करवा दिया? याद रख, इस दफा तो सिर्फ दरवाजा बंद कर रहा हूं, फिर हिम्मत की तो तेरी जबान भी बंद कर दूंगा, समझ गई? डैडी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। डैडी, मैं आपकी कसूरवार हूं, मेरी वजह से एक हरा भरा घर बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने ब्रह्मधर साहब जी के दस्तखत किए हुए कोरे कागज का कितना परफेक्ट इस्तेमाल किया, बड़ा मुंह छोड़ी बात, एक ही झटके के अंदर सब कुछ अंदर कर गए सरकार। हाँ, वही कागज काम आया, इसीलिए तो कहता हूं कि आज की दुनिया को जीतने के लिए इंसान के सिर्फ दो हाथ काफी नहीं, बल्कि मकड़े की तरह बहुत से हाथ होने चाहिए, तभी वो कामयाबी हासिल कर सकता है। यू आर राइट, इसीलिए मेरी कंपनी का मोनोग्राम है मकड़ा, यानी स्पाइडर एंड कंपनी। वो देखिए सरकार, आपकी कंपनी का मोनोग्राम स्पाइडर एंड कंपनी, यानी के मकड़ा कंपनी। आपको पत्थर से ठोकर लग गई? नहीं बेटे, ठोकर पत्थर की नहीं, किस्मत की लगी है। उठिए, हाँ। मेरे साथ चलिए, आइए। बैठिए, ये लीजिए। बेटी, और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? मैं अकेली ही रहती हूँ जी। अकेली? हाँ माँ जी, मैं सुहागन होकर भी विधवा हूँ और बेटे वाली होकर भी पांच हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ जी, एक तरिंदे ने प्यार का नाटक करके मुझसे शादी की, मुझे माँ बनाया, लेकिन मेरे मां के सिंदूर को उसने एक दौलतमंद लड़की के हाथों बेच डाला और उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसी दरिंदे का गंदा खून एक खतरनाक मुजरिम बन गया। मैं दोनों से नफरत करती हूं। बेटी, मेरी भी कहानी तुमसे अलग नहीं। मुझे मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही था। माँ जी, वक्त के भंवर में फंसे हुए इंसान एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। एक टूटी हुई दीवार किसी को क्या सहारा देगी? दुखों की धूप अगर तेज हो तो एक टूटी हुई दीवार का सहारा भी काफी होता है। मगर तेरा बेटा है कहाँ? और कहाँ, अपराध की अंधी गलियों में कहीं भटक रहा होगा।
चला चल लूट चल सबको दया मरा किसी पे कर लो मत चल क्या रे तेरा संजीव पुख्ता खराब हो गया फट अगर किसी ने इनकार किया तो उसको ऊपर से 6 इंच छोटा कर डालूंगा चल निकल चल चला चला जल्दी कर चल अरे माला 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 चला तेरा क्या नाटक कर लिए चल चल निकल चल मार कर एक दिन क्या है चलो हाथ लगा ले लो हाथ लगा ले लो चलो चल माला ऊपर से 6 इंच छोटा कर डालूंगा चले मार कर मन चलिए क्या क्या है इसमें कुछ नहीं भाई क्या इसमें कुछ नहीं क्या इसमें नौकरी के लिए शहर जा रहा हूं मां ने रास्ते के लिए 2 रोटियां दी थी कहा था भूख लगे तो खा लेना बहुत खुशकिस्मत है यार 1 तो रोटियां ऊपर से मां के हाथों की बनाई हुई बोल क्या कीमत लगा इन रोटियों की रोटियां बेची नहीं जाती बांटी जाती हैं 1 तुम रख लो 1 मैं रख लेता हूं भूख लगे तो खा लेना मूड खराब हो गया मूड खराब हो गया ए सब का माल लौटा दे रे ओके ओके दिल खट्टा हो गया चलो चलो जाओ ये लो छोड़ दे छोड़ दिल खट्टा हो गया ए चला चल वापस चले ए वो बच्चे को छोड़ चल चल तो दोस्तों आज ये चाय हम लोग शराब की तरह पिएंगे ये चाय नहीं वेट 69 है एक शेर बको 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 दवा के नाम पे कुछ भी पिला दिया होता अगर शराब कम थी तो सोडा मिला दिया होता अच्छा अर्च के ला अर्च के ला अर्च के ला अर्च के ला बोल रहा हूँ रात भर शराब पी पी रात भर शराब पी रात कट गए और सुबह को जब हिसाब किया तो यस मैडम उसने बहुत पी रखी है क्या नहीं जी चाय पिया आपके लिए भी चाय लाऊं नहीं आपके होटल की चाय में अगर इतना नशा है तो चाय नहीं आइसक्रीम लाओ अबे ओ चवन्नी के चू हरामजादे तूने अपुन के उस्ताद कुबा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी ना अब अपुन तुझे ऊपर वाले की कोर्ट में भेज देते हैं चल मुझे जाने दो नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा तू क्या समझता है रे लड़की की वजह से तुझे छोड़ देंगे तू भी जाएगा लड़की भी जाएगा अबे क्या रे ये भोली वाली लड़की को काय को डाल बना रहे हो हट जा बीच में से वरना तुझे भी उड़ा देंगे उड़ा देंगे मैं कोई कौवा हूं कोई कबूतर हूं कोई चील हूं या कोई हवाई जहाज जो मुझको उड़ा दोगे अबे उड़ा तो हम देंगे ऊपर से 6 इंच समझे कि नहीं समझे नहीं सबको ऊपर से 6 इंच उड़ा दूंगा सॉरी जवानी के चो सॉरी क्या और तेरी जान
कुब्बा का गैंग वाला है, याद रखना वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। अबे हट। ये लड़की बाहर निकल, चला अभी तेरे को कोई डेंजर नहीं। कम आउट मोहिनी, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। हां ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, कम आउट कम आउट। अरे क्या यार, ये तेरी सहेली है कि चूहिया है? चूहे के मापी के अंदर घुस के बैठे लिए। ए चू 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 चू। अरे ओए अम्मा बाहर निकल, यही सोने का इरादा है क्या? ले ये तो हसरे लिए पिंडुक में, पिंडुक में। क्या? अरे पिए लिए क्या? पिए ली? क्या बकवास कर रहे हैं आप, इसने तो घबराहट में पानी पिया था। पानी? अरे जिनको पानी समझ के पी के लिए। ओ गॉड, इसने तो गलती से दारू पी ली। इसलिए तो टेबल के नीचे बैठकर दाम में बोल रही है। अच्छा तुमको एक बात बोलूं, तुम कहो तो मैं इसको खींच के बाहर निकाल दूं। प्लीज हेल्प हर। हाँ व्हाई नॉट, हेल्प हर, हेल्प हर। बाहर निकालने में तो मैं उस्ताद आदमी हूँ। आजा आजा। ये तो काटती है यार। हाँ ये हमारी इज्जत का सवाल है। After all, यार ह्यूमन बीइंग। After all, खींच इसको बाहर। ठीक है यार, चल आजा। खींच, जोर लगा के। भैया, और मेरा हाथ। हटना। भैया, जोर लगा के। भैया, चल पीछे ना, हटना। भैया, जोर लगा के। भैया, कितना गड़ा गिरे तू? चल चुम्मी रे ते। मोहिनी, मोहिनी। Please help her. Mohini, look out! अरे अरे क्या कर रहे तू? अरे चुप! ए ए पवजा, मेरे पास नहीं आना, मैं चुम्मी नहीं दूंगी मैं चुम्मी। ए आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो मारूं। ये अंगूर नहीं मगर ये सारा पोपली अंगूर है। हाय, ये कहाँ गायब हो गए? पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे मैं यहाँ हूँ। सेंटी फुकचा खराब हो गएगा क्या? अरे गिर पड़ जाएंगी, हड्डी पसली टूट जाएंगी, फिगर खराब हो जाएगा, जवानी बर्बाद हो जाएंगी। नीचे आ चल। जाना। मोहिनी, तू मुझसे प्यार करती है ना? नहीं नहीं, मैं तो इससे प्यार करती हूँ। ये पहली छोकरी है जो पसंद भी आई और पटी पटाई मिल गई है क्या? क्या? हाँ हेल्प कर रहे, लाओ यार हेल्प। मंगती कि नहीं? चल अभी तू इसको बातों में लगा, मैं पीछे से जाके पकड़ता हूँ। ये पोपली, तू इसको पटा दे। मोहिनी, तू अच्छी लड़की है ना? नहीं, मैं गंजी लड़की हूँ। चल चल चल, तू बहुत अच्छी लड़की है, शानी पापा है। चल चल मुझे जीन चढ़ के लाइको। मैं चुमी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो समझ रास्कल, तूने मुझे इतनी जोर से पटका, चुप। मैं भी तुझे पटकूंगी। ये मेरा एरिया, तेरा अखाड़ा नहीं है। नहीं छोड़ूंगी, समझे? अरे मैं जीरे का चला हूँ यार। विक्रम मारने बेताल। बोल, मेरे प्यार करेगा? काहे का, तेरा मुंह तो बांस मारता है यार। अच्छा करेगा 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 करेगा। मैं से शादी करेगा? तू एक नंबर की दारुड़िया बेवड़ी छोकरी, तेरे से करूंगा करूंगा करूंगा। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। बस बस ये पैदा करेगा? हाँ हाँ, डेली दो चार दर्जन बच्चा पैदा करूंगा। चल मेरे साथ नाचेगा? हाँ हाँ, नाचूंगा नाचूंगा। गुड बॉय, वेरी गुड वेरी गुड। उतर जा उतर जा। मेरे साथ गाएगा? गाऊंगा गाएगा। हाँ गाऊंगा। अरे गाऊंगा यार, चिल्ला था काका। अरे दूसरा कोई होता ना तो उसको फिरा डालता मैं। क्या हुआ? गाऊंगा 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 गाऊंगा। हाँ सुन, ओ मिस्टर, ओ मिस्टर, सुन, ओ मिस्टर, ओ मिस्टर, मिस्टर, ओ मिस्टर, एक ताजा खबर। एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे,
रे बाबा रे बाबा रे फट के जले बिसल पट गया रे फट के जले बिसल पट गया रे समझे कयामत आ गई रे रे बाबा रे सारा जग उलट पुलट गया रे एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे फट के चले बिसले फट गया रे कैसी ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई क्या बोला रे भूत कोई मुझसे चिमट गया रे एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे फट के जले बिसल फट गया रे रशिया भी सुन के डर गया रे रे बाबा रे अमरीका भी पीछे हट गया रे एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे फट के चले बिसल फट गया रे एक रसगुल्ला कहीं फट गया रे फट के चले बिसल फट गया रे ये लो ये क्या है तुमने जो कंप्यूटर कोर्स के लिए अप्लाई किया था उसका एडमिशन फॉर्म अब इसकी कोई जरूरत नहीं क्या तुमने अपना इरादा फिर बदल दिया नहीं दीदी मैं सोचती हूँ कि फैक्ट्री में काम करूँ चीचा जी का हाथ बटाऊं गुड आइडिया मैं भी तुम्हें यही सलाह देना चाहती थी आफ्टर ऑल प्रेम अंकल तुम्हारे लिए इतना बड़ा शहर छोड़कर गए हैं तुम उनकी इकलौती बेटी हो उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम पर है आप ठीक कहती हैं दीदी अरे हाँ मैं तो आपको बताना ही भूल गई आज एक बड़ा अजीब वाकया हुआ मैं और जय रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने गए थे ना वहाँ कुछ गुंडों में डिशुम डिशुम हो गया तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी ना नहीं लेकिन लग सकती थी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट घबराहट में मैंने पानी के बदले जिन पी ली क्या और नशे में अपने होश खो बैठी वो तो एक लड़का था जिसने मुझे बचाया भी और संभाला भी ओहो बचाया भी और संभाला भी लगता है कुछ नशा अब भी बाकी है पहली बार का नशा
होता ही ऐसा है। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का पहला प्यार हूँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह किसी से मिलने मैं पहली बार आई हूँ। उस दिन जो तुमने मुझे बचाया फिर संभाला, उस एहसान का कर्ज अब तक बाकी है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। इतनी दूर चल के आप मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हैं? मैं तो समझा था कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको, रुकता हूँ, मगर तुम कहो कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया। ठीक है, ऐसा ही समझ लो। लेकिन तुम भी तो बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी का भी ये पहला प्यार है? बिल्कुल, मैं तो कोरा कुवारा हूँ, कपड़े का वो लट्ठा हूँ जिस पर कंपनी का ठप्पा नहीं लगा। तुम्हारा भी पहली बार, मेरा भी पहली बार, तो फिर पता कैसे चलेगा कि प्यार होता क्या है? वो उस दिन जो नशे में तुमने कुछ किया था ना वो। मगर वो तो नशा था। तो प्यार भी तो नशा ही होता है। तो फिर इस नशे का एहसास कैसे होगा? एहसास मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, बाल जो है ना वो बिखर जाते हैं। आंखें लटक जाती है ऐसे, हालत खराब हो जाती है, और कपड़े जो है वो तार तार हो जाते हैं। यहाँ जो है यहाँ और चिल्लाता रहता आदमी, पागल हो जाता है। बचाओ 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 अगर लड़का लड़की का बलात्कार कर सकता है तो लड़की भी लड़के का बलात्कार कर सकती है। अगर खरबूजा छुरी पे गिर सकता है तो छुरी भी खरबूजा में गिर सकती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस जहरीली नागिन ने मुझे डस लिया। इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। मैं देख कैसे मेरे लिए बच्चा आंसू न बहा, फरियाद न कर। ए लड़के क्यों चलो थाने, चलो थाने, चलो नहीं नहीं मैं कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की तुम आंसू की नदियां बहाओ, नाले बहाओ या समुंदर बहाओ, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, पिघलने वाला नहीं हूँ। आखिर लड़के की सिर की लकड़ों को रुला दिया ना, ठीक है, मैं भी देख लूंगी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, करीब से देखो, पास से देखो। बाबूजी बचा लीजिए मुझे, मुझे बचा लीजिए, मार डालेगा। छोड़ भाई उसे, ये तुम्हारा क्या सगे वाला लगता है? सगे वाला नहीं, इंसान तो है, क्यों खामखा बेचारे को मार रहे हो तुम? बोला ना, टोरी का लफड़ा में नहीं पड़ने का क्या? देखो मास्टर, तुम ये सब अपना कागज मेरे कागज को हाथ हाथ लगा, मेरे कागज हाथ तीन लगाने का क्यों? ये क्यों ले जाएगा मास्टर? मैं बोलता हूँ तुझे टोरी, मत फेंक मेरे कागज। क्यों क्यों? ये कागज मेरे लिए बड़े कीमती हैं गधे। जेलर साहब, टाइम पर आ गए बुड्ढे को बचाने के लिए। आ तोड़ के रख दूंगा, बदन से हाथ अलग कर दूंगा तेरा। आराम सारे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तेरी हिम्मत, बोल बोल। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है जेलर। बोल, शूट कर दूं कुत्ते, खत्म कर दूं सुअर, बोल। नहीं सर, प्लीज हट जाओ, प्रबंधक सामने से हट जाओ, मैं कहता हूं हट जाओ। माफ कर दीजिए जेलर साहब, ये मेरे चंद कागजात बिखर गए, मैं समेट लूंगा इनको, लेकिन इस बेचारे को मिर्गी का दौरा पड़ता है, बीमार है, इसे क्षमा कर दीजिए प्लीज। बेवकूफ जाना, पैर छोड़, माफी मांग।
टोनी टोनी गए लाले से रखा ले जाओ तुम तो ना पल गया ऐसे लगता रामदत्त बिजनेस रूम में सो जाता बहन आई मीन मिसेस ब्रह्मदत्त तुम्हारा इंतजार कर रही हैं तुम जाकर उनसे मिल सकते हो थैंक यू सर सुजाता फिर से कहिए सुजाता जब तक कहो दोहराते रहो कैसी हो तुम पर सच कहना होगा सच सच आजकल सुनता कौन है आपका सच किसी ने सुना लेकिन मैं आपसे सच ही कहूंगी जब तक आप सामने होते हैं मेरे सुख की खुशी की इंतहा नहीं होती बहुत अच्छी लगती हैं तुम्हारी ये सब बातें कानों से उतर कर यूं ऐसे दिल में घर कर लेती हैं जाने कब हटेगी ये लोहे की जाली की सलाखें हमारे बीच में से हटेगी बहुत जल्द एक एक दिन गिनती रहती हूँ सोचती भी रहती हूँ कल रात मैंने सपने में देखा आपकी किताब छप गई इतनी बड़ी छप गई छपी नहीं लेकिन मुकम्मल हो गई क्या देखो ये मेरी बरसों की मेहनत का फल जंगल का कानून इंसाफ के अंधे देवताओं के नाम कैदी नंबर 123 का पैगाम मैंने तुमसे वादा किया था पूरा किया ये लो हे भगवान अब यही मेरी गीता है यही मेरी रामायण अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके दिखाऊंगी ये किताब छपेगी घर घर गली गली इसका चर्चा होगा इसलिए कि सत्य कैद खाने की सलाखों के पीछे से ही सत्य जिंदा है सत्य अमर है वो हमेशा जिंदा रहेगा पुलिस
के यानी के मैं तुम पे लट्टू हो गया, मैं तुम पे लट्टू हो गया। इसका मतलब ये कारस्तानी तुम्हारी थी? कारस्तानी नहीं, बदला कहो बदला। तुमने मुझे लल्लू बनाया, मैंने तुम्हें लल्लू बनाया। हिसाब खत्म, खाता बंद। खाता बंद नहीं, खाता तो खुला है और हिसाब खत्म नहीं हुआ, हिसाब तो अब शुरू हुआ है। समझ गए लल्लू की लल्ली? चिड़िया उड़ गई सरकार, फुर से हाटों से निकल गई। क्या मतलब है? अगर वो आपके हाथों से निकल गई तो उसके नाम का हिस्सा भी आपके हाथों से निकल जाएगा, फिर आप कुत्ते बन जाएंगे। मेरा मतलब है धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मगर आप उसे रोक भी कैसे सकते हैं सरकार? उसकी शादी रोककर। शादी रोककर? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपके गोद में पली हूँ मैं, आपकी बेटी समान हूँ, आप मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? शर्म किस में कोई बात नहीं है, After all, I'm not an old man. I'm young, baby. तुम तो जानती हो मेरी बीवी सोनू हमेशा बीमार रहती है, जिस्मानी तौर पर दिमागी तौर पर मेरे लिए बिल्कुल बेकार है वो। नहीं, तुम बीमार हो, जिस्म से दिमाग से हर तरह से बीमार हो। आज दीदी की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारे जुल्मों की वजह से आज वो बीमार हो गई है। तुम जैसे नीच और जलील को तो गोली मार देनी चाहिए। मुझे गोली मारेगी? हाँ हाँ हाँ, इस नीच और रुचि सवाल का जवाब गोली के सिवा और क्या हो सकता है? और कान खोल कर सुन लो, मुझे विजय से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। मैं तुझे शादी के काबिल छोड़ूंगा ही नहीं। ठहरो, घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? घर छोड़कर मुझे नहीं तुझे जाना होगा, ये घर तेरा नहीं मेरे डैडी का दिया हुआ है, जाना तुझे पड़ेगा। डैडी ने तुझे फुटपाथ से उठाकर इस कोठी में बिठाया, मगर तू कीचड़ था और कीचड़ ही रहा। अब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तो जैसे खूनी और पापी के गुनाहों का पर्दाफाश करने के लिए। एक शेर अर्ज किया है, कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पे। वाह, कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पे, बात तो लाखों की थी आठ आने में हो गई। वाह वाह, मारो मारो पोपली, सेंटी फूकता खराब हो गया। विजय,
तू रो क्यों रही है? अरे बोल तो सही, बात क्या है? संरक्षक था, भाई भक्षक हो गया, अब मैं कहां जाऊं? कहां जाऊं? ए, देख मेरी खोपड़ी सनक रही है, मुझे साफ से बता बात क्या है। मेरा जीजा जो मेरे बाप समान है, आज वही मेरी जिंदगी मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। अगर मेरी दीदी ना होती तो आज मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मेरी बेटी का हिस्सा जिसकी वारिस मैं हूँ, आज मुझसे जबरदस्ती शादी करके वो मेरा ही नहीं उस हिस्से का भी मालिक बनना चाहता है। चल मेरे साथ। नहीं, अब उसे क्या फायदा? वो घर तो मैं हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ एक घर बनाऊंगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी मैं। हाँ विजय, चलो हम इसी वक्त शादी कर लेते हैं। मगर ऐसे बगैर समझे बगैर जाने? मैं कुछ जाना नहीं चाहती, कुछ समझना नहीं चाहती। अभी वक्त का तकाजा यही है कि हम दोनों ऐसे बंधन में बन जाए जो कभी नहीं टूटता। चल चल अभी मंदिर चल के अपन दोनों शादी बना डालते हैं। शादी का जोड़ा बाद में, पहले कफन का जोड़ा पहन ले। तेरे लिए कफन लाया हूं, ये देख, बिल्कुल नया और कोरा कपड़ा, ताकि तेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी न रह जाए। और यह है मेरी फौज जो तेरे क्रियाकर्म का पूरा सामान लेकर आई है। कुछ जैसे फटीचे टपोरी के लिए चंदन की लकड़ी और घी की जरूरत नहीं, इसलिए बबूल की लकड़ी और घासलेट लाया हूं। तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए इतना सामान काफी है। एक रोटी दे दो साहब। चल रहे, रास्ता पकड़। दो दिन से कुछ भी नहीं खाया साहब। बोले मेरे पेट में गोली मारकर मुझे जो घाव दिया था, आज उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। साला, तेरे को ऊपर से 6 इंच छोटा कर डालूंगा। मुझे टपोरी बनाया तूने? हाँ, अरे अरे एक रोटी तो मांगा था मैंने तुझसे।
मैंने आज के बाद कुब्बा की हुकूमत इस शहर से खत्म। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते, या तो शहर छोड़ दो या दुनिया। नहीं, एक रास्ता और भी है, तुम लोग मेरी गैंग में शामिल हो सकते हो। बोलो मंजूर है? डॉन विजय, डॉन विजय। जंगल के कानून के हड़पने की आवाज चारों तरफ नहीं फैलेगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आपकी रिहाई के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी हाँ, कोशिश करेंगे। जी हाँ, यह हमारा वादा है। कौन हो तुम? आज तक तो औलादें अपने माँ बाप को भूलती आई हैं। शायद शायद तू पहली माँ है जो अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रही है। मेरा बेटा मर चुका है। काश मैं पैदा होते ही मर गया होता, तो भूख और गरीबी से लड़ते लड़ते आज डॉन ना बन गया होता। खैर छोड़ो माँ, आज बदुआओं का नहीं आशीर्वाद का दिन है। बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ, मैं डॉन बन गया हूँ, इस शहर का सबसे बड़ा डॉन। इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है? काश मैं कुली या मजदूर की माँ होती तो मुझे अपने आप पर गर्व होता। मजदूर? दुनिया में सिर्फ 10% पैदाइशी मजदूर होते हैं माँ, बाकी तो बेचारे जो मजबूर होते हैं वही मजदूर होते हैं। मैं अब सिर्फ नाम का नहीं माँ, काम का बेटा बन गया हूँ। आज बड़े बड़े लोग मेरे साथ बैठकर चाय पीते। चल माँ, चल माँ, माँ मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरे कदमों में दौलत का ढेर लगा दूंगा मां। दौलत? वही दौलत जिसने मेरा प्यार, मेरा पति मुझसे छीन लिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। खुद अपनाती नहीं और बोलती छीन लिया छीन लिया छीन लिया। अरे जब झोपड़े में था तब भी तुझे लेने आया था, आज बंगले में चला गया हूं फिर भी तुझे लेने आया। मां चलना। मैं तेरी दौलत पर थूकती हूँ, नफरत करती हूँ तुझसे, चला जा यहां से। मां मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे सामने भीख मांगता हूँ। मां मां मेरे साथ चल। नहीं, मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी, तू चला जा यहां से। मैं एक इज्जतदार औरत हूं, अगर लोगों को पता चल गया कि तू मेरा बेटा है तो मुझे नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वाह वाह, तुझे लोगों की पड़ी है, इज्जत की पड़ी है। हाँ, बेटे के लिए कुछ नहीं है। वाह माँ वाह, बचपन में बाप मांगा तो बोली जा तेरा बाप मर गया, रोटी मांगी तो साला पेट में गोली मिली, और आज मां बोल रही है कि बेटा भी मर गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मरने वाले कहां मुड़कर वापस आते, मैं भी कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा मां, मैंने तय कर लिया, जा। मगर मां मां मैं बरसों से भूखा हूं, बहुत तरसा हूं तेरे हाथों की बनाई हुई एक रोटी के लिए। हाँ, जाने से पहले आखिरी बार अपने हाथों की बनाई हुई एक रोटी तो खिला दे माँ। रोटी की तो दूर, मैं तो तुझे वो अधिकार भी नहीं दूंगी जिस अधिकार से एक बेटा अपनी माँ की चिता को आग देता है। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। कभी वापस नहीं आऊंगा, ठीक है कभी वापस नहीं आऊंगा, जा रहा हूं मैं। क्या अरे कमी, कोई नाटक मंड लिया क्या? माँ बेटे के झगड़े का तमाशा देख रहे हो? सबकी मुंडी काट के ऊपर से चेन छोटा कर लूंगा, भागो चलो।
अब भी वक्त है माँ सोच ले, मगर एक बात और सुन ले माँ, हर इंसान पहले किसी ना किसी का बेटा होता है, धन बाद में बनता है। कह रहा हूं, कह रहा हूं, चलो चल। ले भाई डॉक्टर डैन सिगरेट, ये 3.5 रुपए की ब्लैक में भी नहीं मिलेगी। अरे मोकम्बो तेरी चटी साले, जरा धोया कर अच्छी तरह से। राका शाका डैंग मोगेम्बो सबकी जरूरतें तो पूरी कर दी, अब इस गब्बर की भी मांग पूरी कर दे रे मुंगेरी। गब्बर सिंह? ओ भाई तू कहीं शोले वाला गब्बर सिंह तो नहीं ना? अरे शोले वाला नहीं, छोले वाला गब्बर सिंह। छोले वाला 007, ये नंबर छोले वाले को कैसे मिला? ये तो जेम्स बॉन्ड का नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बेवकूफ जेलर ने बगैर मुझसे पूछे तुमको ये नंबर देने की हिम्मत की। वो एक नंबर का नालायक है, चोर है, निकम्मा है, उलूदा पट्टा। चलो उस अकल के अंधे से तो बेवकूफी हुई, मगर तुमने ये नंबर कैसे लिया? कैसे लिया? कैसे लिया? उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तुम बताओ कब आए इधर? जब तुम डिलीवरी पर गए थे। डिलीवरी पर? मेरा मतलब बच्चा पैदा करने गए थे। मैं बच्चा पैदा करने गया? ओए क्यों क्यों बकवास करता है। अरे 1 अप्रैल को जब तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था तुम छुट्टी पर थे कि नहीं? हाय मैं तब आया था। 1 अप्रैल को तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था कि नहीं? ये घर का भेद तुझे कैसे मालूम हुआ? अबे कहीं तू मेरे जीजा जी को धोखा तो नहीं दे रही है? अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा अच्छा तो ठीक है, बोल क्या चाहिए तेरे को? एक रस्सी। रस्सी? नाले से काम चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा अच्छा तो फिर ठीक है, अभी निकालता हूँ। 3.5 रुपए। साढ़े 3 रुपए कैश निकाल, निकाल जल्दी जल्दी जल्दी। 7 रुपए दूंगा, 14 रुपए मजाक कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? बताता हूँ। अरे जेलर साहब, ये मेरा सामान नहीं है, कैदियों का, मैं तो ऑफिस में जमा करवाने जा रहा था। तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने बहरूपिये का रूप धरा था। नहीं, नहीं सर। कर दो इसके कपड़े फ्रेश। अरे मुझे आप लोग मत करो। अरे नहीं, अरे अरे सरकार गजब हो गया, सरकार गजब हो गया, बंदर साहब को अदालत ने आजाद कर दिया। उससे क्या होगा? कमाल करते हैं सरकार, शेर पिंजरे से आजाद हो गया और आप कह रहे उससे क्या होगा? बड़ा मुछोटी बात सरकार, वो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। अरे बच्चे, बूढ़े शेर के दांत इतने मजबूत नहीं होते। समझ में नहीं आया, आखिर तुम हो कौन? मेरी जान की जगह तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने नहीं पहचाना, कौन हो तुम? मैं आपकी वही छोटी सी गुड़िया हूँ। याद आया? याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तुम वही छोटी सी मोहनी हो ना? लेकिन अब छोटी नहीं, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी तो हो गई हो, लेकिन बेटे तुम जानती तो होगी कि तुम्हारे पिता के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था। वो इल्जाम झूठा था, इंद्रजीत की बातों से मेरे भी दिलो दिमाग पर शक का कोहरा छा गया था, मगर अब वो दूर हो गया है। सच्चाई आपकी रिहाई से पहले ही मुझे मालूम हो चुकी थी,
आपको कसूरवार समझने का जो अपराध मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमारी जिद्दी गुड़िया हमसे ही माफी मांग रही है। मेरी तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे सीने से कितना भारी बोझ हल्का कर दिया। कितने कष्ट उठाए आपने, कितनी लंबी सजा काटी जबकि अपराधी इंद्रजीत था। सोनू दीदी की भी जान उसने इसलिए ली कि कहीं उसके जुर्म का राज फाश ना हो जाए। अब वो बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आदमी लगा रखे उसे मेरी जान लेने के लिए। और मैं कभी इस सहेली के यहाँ, कभी उस सहेली के यहाँ, कभी हॉस्टल में, कभी धर्मशाला में छुपती फिरती हूँ। लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं उस कमीने को चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं उसे गुमनाम चिट्ठियां लिखती रहती हूँ जो अंकुश की तरह उसकी आत्मा को, उसके जमीर को घायल करती रहती है। और अगर इस दुनिया में इंसाफ है तो उसके गुनाह खून बनकर उसके रोम रोम से फूट पड़ेंगे। खून नहीं है उसके बदन में, खून नहीं है, जहर दौड़ रहा उसकी रगों में। बिटिया मेरे ख्याल में अब हम लोग चलते हैं यहां से। बेटी कहां जाएंगे? एक एक करके मैं अपनी तबाही के सारे निशान देखूंगा ताकि याद रहे मुझको, और फिर जाऊंगा संध्या से पहले तुम्हारी आंटी से मिलन होगा ना। आंटी कहां है वो? गए थे आप? अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखने गया था। मेरी विनती है आपसे, भगवान के लिए गुजरी हुई बातों को भूल जाइए। नामुमकिन है, एक बात एक क्षण भी नहीं बुला सकता। मैं जानता हूं कैद से लेकर मेरी रिहाई तक की कितनी कीमत चुकानी पड़ी है तुम्हें, मैं जानता हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं है। सुनो, जिस चंडाल ने हमारी जिंदगी के दामन को एक एक करके नोच लिया था ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मुझे अपनी सोनू की कसम है, जो तुम्हारी सौगंध है नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं, नहीं, मैं दोबारा इन हाथों में हथकड़ी लगने नहीं दूंगी, क्योंकि इन्हीं हाथों से मेरा अंतिम संस्कार होना अभी बाकी है। ऐसा न कहो सुजाता, ऐसा न कहो। सीता के बिना तो राम की मूर्ति भी अकेली हो जाती है, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा ही रह जाऊंगा और तन्हाई में मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। हराम जादे, जो हाथ मेरा काम अंजाम नहीं दे सकते मैं उन्हें काट दिया करता हूँ। ये तो गुलाम है सरकार, इसे तो कभी भी काट सकते हैं। पहले इस खत को लिखने वाले का हाथ काटिए। ये देखिए, इसने खत भेजा आपके नाम। तुम खूनी हो, तुम कातिल हो, तुम अजगर हो, शक्कर मैंने इस खत में लिखा है। लेकिन याद रखना, मेरे हिस्से को तुम निकल नहीं सकोगे। मुझे सबूतों का इंतजार है, तुम्हारी दुश्मन मोहिनी। इंदर बाबू, बड़ा मुंह छोटी बात, जब एक तरफ कुआं हो और दूसरी तरफ खाई हो तो पहले खाई से बचना चाहिए। कुएं से तो कभी भी रस्सी पकड़कर बाहर निकल आएंगे, लेकिन खाई से क्या पकड़कर बाहर निकलेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि ब्रह्मदत्त को भूल जाओ और पहले मोहिनी से निपटो। ब्रह्मदत्त के पास है क्या? एक फटी लूंगी, लेकिन मोहिनी की हैसियत करोड़ों से भी ज्यादा है। उसे हड़प करने के लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। बड़ा मुंह छोटी बात, समझ गए मेरी घात? जटा, उस दिन तुम डॉन विजय का जिक्र कर रहे थे ना, जो सुपारी लेता। बोलो इंद्रजीत सेठ, क्या काम है? वही काम जो तुम करते हो, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि एक ही शहर में रहकर
हम दोनों आपस में मिले क्यों नहीं? वजह यह है सेठ कि तुम हो वर्ल्ड के आदमी और मैं हूं अंडरवर्ल्ड का आदमी, और फिर मिलने का जरा कोई वजह भी तो होना चाहिए। लेकिन आज वजह मेरे पास है, बोलो कब मिलते हैं? डॉन किसी से नहीं मिलता, लोग उससे आकर मिलते हैं। मेरी आदत भी कुछ ऐसी ही है। वाह, लगता है तुम्हारा मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मैं किसी रिश्ते नाते में यकीन नहीं रखता, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं। अरे बिजनेसमैन तो मैं भी हूं सेठ, मगर बिजनेसमैन में से अगर बिजनेस को अलग कर डालो ना तो सिर्फ मैन रह जाता है, और मैन का वाइफ होता है, उसका बच्चा होता है, और तुम्हारा क्या कोई नहीं है क्या? मैंने कामयाबी के सिवा जिंदगी में किसी को स्वीकार नहीं किया। अपना केस उल्टा है, तुमने अपनों को स्वीकार नहीं किया और मुझे अपनों ने स्वीकार नहीं किया। मेरा मतलब मेरी माँ से। और बाप? अरे मालूम नहीं, मर गया के जिंदा है। खैर छोड़ो, तुम बिजनेस का बात करो। ये बोलो फोन को किया था? एक कांटा है जो मुझे खटक रहा है, उसे निकालना है। समझ गया। समझ गए तो कीमत बोलो। 5 लाख, और वो भी एडवांस? मुझे मंजूर है। ये ले सुपारी, काम पूरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा, वरना बड़ा मुंह छोटी बात, सरकार तेरे नाम की सुपारी मुझे दे देंगे। मेरे नाम की सुपारी तेरे को? मैं हाथ से नहीं, दिमाग की बंदूक से गोली चलाता हूँ। अच्छा। साहब, आप पर यहाँ कैसे? सड़क पे दोबारा आ गया था, गिर पड़े थे तो मैं उठा के ले आया। साहब, ये अपन पर आपका दूसरा एहसान है। छोड़ो सब, ये डॉक्टर ने दवा दी है, पी लो इसे। अरे साहब 2 बज गए, मैं निकलता हूँ नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। कौन सी ऐसी मुसीबत है जो तुम्हारी जिंदगी से भी बढ़ती है? अरे साहब, अगर ये बैग अपन ने अभी टाइम पर नहीं पहुंचाना तो वो जल्लाद अपन का शामत बुला डालेगा। कौन, किसकी बात करते हो? कौन सा जल्लाद? अपन ने आपको जेल में बताया था ना कि अपन का कनेक्शन एक ऐसा ग्रुप के सरदार के साथ है जिसका काम है सुपारी लेना। ये बैग में भी किसी का नाम का सुपारी है। इस बैग में किसी के नाम का सुपारी है? अरे साहब, ये पान में खाने वाला सुपारी नहीं है, ये जान लेने वाला सुपारी है। मतलब कि पैसा लेके किसी का खून करने का सौदा, मौत का अग्रीमेंट। कौन है वो मौत का सौदागर? बहुत हैंडसम राक्षस है साहब, विजय नाम है उसका। पन अगर अपन ने ये सुपारी उसके पास अभी फौरन नहीं पहुंचाया ना तो समझ लो कि वो अपन का नाम का सुपारी निकाल डालेगा। अच्छा साहब, चलता है। टोनी, गुड इवनिंग बॉस। चला आ रहा है साला लॉर्ड साहब का बच्चा, टाइम देगा इसको? टाइम का मत पूछो बॉस, माल का पूछो, माल का। ये फैक्ट्री वाला सेठ का 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज, और जिसका नाम को सुपारी है उसका भी फोटो इसी में। बड़ी कमजोरी है ये मेरी जिंदगी, छोटी सबसे बड़ी कमजोरी। चला गोली, ब्रह्मदत्त अंकल पर, मोहिनी पर, मुझ पर, एक ही के नाम की क्यों? आज हम सबके नाम की सुपारी पूरी कर दे, ले। आज तेरे इन खूनी हाथों से तेरी माँ का खून भी बह जाने दे, इससे तेरे मन के अंदर के जानवर को
हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। मां मुझे माफ। है रवि जी, आज तुम्हें वादा करना होगा कि अपने मां के आशीर्वाद और उसके सच्चे प्यार को ठुकराकर पाप की दुनिया में फिर वापस नहीं जाओगे, वरना तुम्हें अपनी मां के आंचल की छांव कभी वापस नहीं मिलेगी। मान जाओ विजय, ये तुम्हारी मुक्ति का आखिरी मौका है। तू तो मेरी आरती देखना चाहती थी ना? ना, मां की बदुआ औलाद को कभी नहीं लगती, क्योंकि क्योंकि वो दिल से नहीं निकलती। और फिर तेरा इंतजार तो मैं मरने के बाद भी करती, मेरे बच्चे मरने के बाद भी करती। माँ तेरे प्यार का गंगा जल मेरे गुनाहों को धोड़ा लेगा। माँ तू सिर्फ मुझे अपना प्यार दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तुम कह दोगे इस प्यार के बदले अपनी माँ को? वादा करो कि इस दौलत का मान रखोगे, प्यार के इस सूरज को कभी ग्रहण नहीं लगने दोगे। वादा रामोनी, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं अपनी नई जिंदगी और इस अनमोल प्यार पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा।
जी हाँ ठीक है ओके। ओ विजय डॉन 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 वेलकम वेलकम वेलकम। टेलीफोन के परिचय के बाद पहली बार आमने सामने हैं, कहिए क्या पसंद करेंगे? फिलहाल चंद बातें, पहले ये रकम संभालिए। मगर रकम वापस क्यों? इसलिए कि जिन बीजों से खून खराबे की फसल उगती हो उन्हें मैंने अपनी आत्मा की जमीन में बोना बंद कर दिया है। ये तुम्हारे गैंग का फैसला है या? नहीं, ये विजय का फैसला है। मगर ये तो उसूलों के खिलाफ बात है। सुपारी एक बार लेने के बाद वापस नहीं की जा सकती। उसूल, उसूल मैंने अपनी सहूलियतों के लिए बनाए, उसूलों के लिए मैं नहीं बना। और अगर उसूल इंसानियत का कातिल बन जाए तो ऐसे उसूलों को तोड़ देना ही बेहतर है। उसूल, इंसानियत, ये सब लफ्ज तुम्हारी जिंदगी की सरहद में कैसे दाखिल हो गए? घर छोड़कर मंदिर में रहते हो? मिस्टर इंद्रजीत, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आने से चूने और मिट्टी के मकान मंदिर बन जाते हैं, और ऐसा ही एक इंसान मेरे घर में भी आया है। जरा मैं भी तो नाम सुनूं। ब्रह्मदत्त। तो ये हमारे ससुर साहब की साजिश है? नहीं 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 नहीं, ये साजिश तो कुदरत की है, जिसने एक ही घर में एक ही छत के नीचे उन सबको इकट्ठा कर दिया जो तुम्हारे जुल्म के शिकार है। मगर उन घर वालों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? है, बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस लड़की की सुपारी तुमने मुझे दी थी मैं उसे मंगलसूत्र देना चाहता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अरे सेठ इंद्रजीत, ताल्लुक तो जितना उन घर वालों से है उतना ही तुमसे भी है। क्या क्या मतलब? यही कि कमीनेपन और जलालत में तुम मेरे भी बाप हो। शायद तुम भूल गए कि अगर मैं किसी के लिए तुम्हें खरीद सकता हूं तो तुम्हारे लिए किसी दूसरे को भी खरीद सकता हूं, समझे? एक चुनौती मेरी भी सुन लो सेठ, अगर मोहिनी पर या उस घर में रहने वाले किसी भी इज्जतदार इंसान की जिंदगी पर कोई आंच आई तो खोपड़ी पर आग लगाकर बीड़ी की तरह पी जाऊंगा, दो सुट्टा मारूंगा, एस्ट्रे में राख बनकर पड़े हो गए। सुपारी लेकर वापस करना गैंग के उसूलों के खिलाफ है। तुम्हारे लीडर विजय ने गद्दारी की है और मैं पूछता हूं इस गद्दारी की सजा क्या है? मौत! 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 तुम खामोश क्यों हो टोनी? क्या तुम गैंग के उसूलों के खिलाफ हो? अपन गैंग के उसूलों के खिलाफ नहीं, मगर जब तक गैंग लीडर नहीं चुना जाता कोई भी ऑर्डर, कोई भी सुपारी नहीं ली जा सकती। अधूरी सुपारी अब तुम पूरी करोगे, मोहिनी का कत्ल और विजय को मौत की सजा भी तुम दोगे टोनी, डॉन टोनी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि तुम्हें विजय से, मोहिनी से और ब्रह्मदत्त के इस परिवार से हमदर्दी है। क्या ये झूठ है? बोलो, जवाब दो। ये तुम्हारी साजिश थी कि तुमने मोहिनी की तस्वीर बदलकर ब्रह्मदत्त की तस्वीर रख दी, और यह भी सच है कि विजय और ब्रह्मदत्त को मिलाने में तुम्हारा ही हाथ है। नहीं, ये झूठ है, बकवास है, अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम अपने गैंग के खिलाफ गहरी चाल चल रहे हो, तुम अपने ही लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो। चाले तो तू चल रहा है,
तेरे नाम की सुपारी तो मैं लूंगा। बड़ा मुंह छोटी बात, आ हा हा, क्या केक है, क्या रौनक है। अरे सालों से किसी साले को ऐसा साला नहीं मिला होगा। क्यों मेरी डार्लिंग? हाँ डार्लिंग, मेरे भैया बड़े दिलदार हैं। मेरे साले, एक बात तो बता, तू इतना रुपया लाया कहाँ से? अलमारी से। कौन सी अलमारी से? जो कमरे में रखी है। कौन से कमरे में रखी है? अरे जो घर में है। अरे किसके घर में रखी है? आपके घर में। क्या मतलब? मतलब ये कि भांजो ने चुराया और मामा ने उड़ाया। मतलब कि मेरा ही जूता मेरे सर पे लगाया। शट अप। अरे अरे मेरा तो ah
किस किस को मैं किस करूं, किस किस को मैं मिस करूं, इस मिस को मैं किस करूं, उस मिस को मैं मिस करूं, अपनी परछाई से तो भाग कर आ गए जटाशंकर, अब खड़े हो अपने गुनाहों के साये में। आप सर जी आप यहां? हाँ, विजय मोहिनी का नाच गाना एक स्वांग था, वो स्वांग तुझे खींच कर लाया है तेरी मौत की चौखट पर। पॉकेट पॉकेट मौत की चौखट पर? मेरा कसूर क्या है सर जी? मैंने तो आपका नमक खाया है। नमक खाकर नमक हरामी की तूने मुझसे गद्दार। इंद्रजीत के हर जुर्म में तू बराबर का हिस्सेदार रहा है, और जो सजा उस राक्षस को मिलेगी वही सजा तुझको भी भुगतनी होगी। क्षमा कर दीजिए सर जी, मैं बहुत घटिया टाइप का आदमी हूँ। देखिए ना, मैं अपना माता आपके पैरों पर टेक रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर जी, मुझे माफ कर दीजिए। रैम सर जी, रैम रैम। गोली मत चलाना। उठ जटाशंकर, तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी बताइए ऐसा कौन सा रास्ता सर जी? तो गौर से सुन, तुझे सरकारी गवाह बनना होगा, और गवाह बनकर इंद्रजीत के हर जुर्म का रासफाश करना होगा। सर जी बड़ा मुंह छोटी बात, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वह राक्षस मुझे कुत्ते की तरह मार देगा। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुझे इसी वक्त मैं गोली से उड़ा दूंगा। दोनों तरफ मौत ही मौत है सर जी, आप मुझे बीत कर आश्रम में डाल दीजिए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, इसी में मेरी भलाई है सर जी। मुक्ति की तुम्हें इतनी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, इसीलिए तो तुम्हें उठवाया है। बड़ा मुंह छोटी बात सरकार, मैं तो आपकी नाक का बाल हूं, फिर आप मेरी खाल क्यों उतारना चाहते हैं? रावण ने विभीषण का कत्ल ना करके जो गलती की थी वो मैं नहीं दोहराऊंगा। इससे पहले कि ये मेरे खिलाफ सबूतों का बम फोड़े, इसका सर फोड़ दो, ले जाओ। अरे ठहरो ना चमचो, एक मिनट सरकार से बात करने दो, मेरी भी एक छोटी सी बात सुन लीजिए सरकार। तुम्हारे कारनामों का सबूत मेरी चिता जला के भी भस्म नहीं हो सकते। मुझे मैंने ऐसे कोने में छुपा रखा है कि मेरा कत्ल होते ही मेरे खून के छींटे हर पुलिस स्टेशन की दीवार पर बिखर जाएंगे। सर इसे फैक्ट्री की काल कोठरी में भेज दीजिए, काल कोठरी का महाकाल इसके मुंह से सब उगलवा लेगा। ले जाओ इसको। तुझे कीड़े पड़े सरकार, अब ब्रह्मदत्त का एक दिन भी जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। तुम लोग जाकर ब्रह्मदत्त को भी उसी जगह पहुंचा दो जहां उसका दोस्त प्रेमचंद और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे हैं। राइट सर। और एक बात, मोहिनी को उठाकर यहां ले आओ, उसका आशिक अपने आप चलाएगा। सजनो आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, मालूम हो कि ब्रह्मदत्त और सुजाता भाभी की शादी की सालगिरह का दिन है। लाओ बेटी हार लाओ, आज पंडित मुश्ताक अली हर साल की तरह इन दोनों का विवाह संपन्न करेंगे। लो भाई इनके गले में हार डालो, भाभी तुम भी हार डालो, तुम एग्जाम में एकदम पष्टवर्धन मर्थवार के मारे फूल फेंको भाई। ओम हिरण गर्भ बाबू से जाता पति रे का, ओम सब संसार की तुझे मिला। वेरी मुश्ताक भाई, यह हमारा नहीं, विजय और मोहिनी की शादी का समय होना चाहिए। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, और वो शुभ कार्य भी पंडित मुश्ताक अली के शुभ हाथों से ही संपन्न होगा। जिंदगी में जो सब तुमने खो दिया है ना, वो तो अभी मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी किताब छपवाने के लिए जो तुमने अपना मंगलसूत्र बेच दिया था उसकी जगह मैं ये मंगलसूत्र ला। मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं!
मैं सुजाता नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। हिम्मत करो सुजाता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, सुन रही हो ना? घबराइए मत, मैं जा नहीं रही। और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुन रही हो सुजाता? सुजाता, सुजाता, आप तो हमेशा चिल्लाते हैं। कभी नहीं चिल्लाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। देखो बेटी चली गई, दोस्त चला गया, लेकिन हम दोनों तो हैं ना, है ना हम दोनों साथ। और लेकिन तुम्हारी कसम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इन हथियारों के खून की नदी बहा लूंगा, तुम्हारी कसम। नहीं, आपको मेरी कसम, आपके पवित्र हाथ दुश्मन के खून से कभी नहीं रंगेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। सुजाता, 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 अंदर जाओ, इंदर बाबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। क्या कहा, नहीं जाओगी? अंदर जाओ, वरना। वरना क्या? वरना ये शिकारी कुत्ते तुम्हें चबा डालेंगे। छोड़ दो इन्हें। कौन है तुम? मैं वही हूँ जिसे तुम गुमनाम चिट्ठियां लिखती रही। तुम्हारी मौत की तो मैंने सुपारी दे रखी है, लेकिन आज तुम खुद मेरे सामने हो। मत छू मुझे। तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों मेरे हाथों में है। इन हाथों से दोस्ती बनाए रखो मेरी जान। नापाक है तुम्हारे हाथ। तुमने इन हाथों से मेरे पापा का खून किया और अपने जुर्म का फंदा ब्रह्मदत्त अंकल के गले में डाला। तुम अपने आप को इंसान कहते हो, वैशी दरिंदे हो तुम। अगर मैं वैशी दरिंदा हूँ तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। खतरनाक होता है दरिंदा, अचानक हमला कर देता जैसे मैंने किया। मैंने तुझे चेतावनी भी दी थी कि अगर तूने मोहिनी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुझे अंधा कर दूंगा। ऊपर से छह छोटा कर डालू मैं अंदर से। बच्चे एक लड़की के लिए अपनी आन बान पर पानी फेर दिया डॉन ने, आई मीन एक्स डॉन ने। तुम कर सकते हो? तुम और तुम मैं भी नहीं कर सकता। मेरी आंखें नोच कर तुम तो मुझे अंधा नहीं कर सके, मगर मैं जरूर तुम्हारी आंखों में कांटे भरूंगा। यस सर।
अत्याचार। प्लीज मेरे विजय को छोड़ दो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। गुड मोहिनी, इस भिखारी से रहम की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारी जान के बदले में मुझे इनकी हर शर्त मंजूर है। क्या कहा, बदले में? यू मीन इन रिटर्न? आई लाइक दैट। बिजनेस की बात मुझे हमेशा पसंद है। बदले में मुझे चाहिए तुम और तुम्हारी दौलत। बोलो मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। क्या बक रही हो मोहिनी? ये बक नहीं रही है, वक्त की नजाकत को समझ रही है। लो दस्तखत कर दो। मोहिनी, मोहिनी, गुड। कोई साला हिल लाए। ये क्या करता है? काल कोठरी से बाहर कैसे निकला है तू? राक्षसों को डिब्बे में कैसे बंद कर सकता है? मैं राक्षस हूँ, राक्षस। तुम्हारे इन आदमी ने मुझे अगवा करके मेरी काफी चूना सफेदी की है। मेरे घर का कोना कोना छान मारा, मगर तुम्हारे काले करतूतों के सबूतों का चिट्ठा किसी को नहीं मिला। मगर सरकार, किसी का ध्यान इस कुबड़ पे नहीं गया। असली ढाल तो ये कुबड़ ही है। ट्रम्प काल चिड़ी का एका। ये कुबड़ नहीं है सरकार, तुम्हारे जमीर का थैला है, जिसके अंदर तुम्हारा हर टेप, हर तस्वीर, हर कागज चीख चीख कर तुम्हारे पापों की कथा सुना रहा है। सरकार, अगर ये थैला मैं पुलिस के हवाले कर दूं, तो तुम्हारी गर्दन में एक साथ कई फांसी के फंदे पड़ सकते हैं। है? मगर नहीं सरकार, क्या है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने भी कुछ बिजनेस के हाथ कंडे सीख लिए हैं। जिस तरह मोहिनी के लिए तुम कानूनी कागज लेकर आए हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए कानूनी कागज लेकर आया हूं। दस्तखत करो। मेरे पास कागज है और तेरे पास कलम, जल्दी से साइन कर। करता हूं। जमीन से उठ मत इंद्रजीत, तेरी दरिंदगी का हथियार तेरे हाथों से गिर चुका है। वह हथियार तेरी अपनी मौत का कारण बनेगा। आज मैं सबूत के इस हथियार से तेरे शरीर और तेरी आत्मा दोनों से बदला लूंगा। हमेशा दूसरों की जिंदगी में कांटे बिछाए, आज तुझको भी इन कांटों पे से गुजरना होगा। चल।
चल। इसे गौर से देखो, पहचानो इसे। ये तुम्हारा ही दिया हुआ चेक है जिस पर मैंने मौत लिख दी थी, तुम्हारी मौत। और आज इस चेक को कैश करवाने का वक्त आ गया है, वो भी तुम्हारे अपने खून से। मेरा? हाँ, तेरा खून। ये मेरी प्रतिज्ञा थी जो आज पूरी होगी। ये ले बेटे। मेरा बेटा? रिश्ते की दीवारें तो तू बरसों पहले गिरा चुका है। विजय बेटे, आज मैं तुझे अपने सुहाग की सुपारी देती हूँ। कर दे इस चेक को कैश। जाओ बेटे, जाओ। खून के रिश्ते से कोई बाप नहीं होता। बाप होता है वो जो अपनी औलाद को पौधे की तरह अपना खून दे दे कर सींचता है। मगर तू बाप नहीं, तू जल्लाद है, जल्लाद। तुमसे पूछता हूं, क्या बिगाड़ा था उस मासूम बच्ची ने तुम्हारा, जो तुमने उस बेगुनाह की जान ली? क्या बिगाड़ा था उसे तुम्हारा? और क्या बिगाड़ा था मैंने, जो मुझ पर मेरे जिगरी दोस्त प्रेम के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर तुमने 12 साल तक मुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाया, जबकि कातिल तुम थे। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जलील इंसान हूं। दूर हट कमीने, मूर्ख हो तुम जो इतनी देर बकवास करते रहे। ये दुनिया मक्कारी और फरेब पर ही चलती है। तुम जानते हो कि फरेब देकर मैंने तुम्हारी दौलत तुमसे छीन ली है और एक इज्जतदार से बेइज्जत बना दिया है तुम्हें। और आज एक फरेबी के हाथों तुम्हारी मौत होगी ब्रह्मदत्त, तुम्हारी मौत। तुम्हारा वो रिवॉल्वर खाली है, गोलियां इस रिवॉल्वर में है। अब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। इंद्रजीत, याद है पहली बार जब तुम मेरे घर आए थे तुमने कहा था कि ऊंचाइयां ही तुम्हारा नियम है। कमीने आदमी, तुमने जो कहा था वो करके दिखाया। बेगुनाह आदमियों की लाशों पर से कदम रख रख के जिंदगी में तरक्की हासिल की है तूने।
ऊपर जा और ऊपर। वो देख अपने ट्रेडमार्क की वो आंखें देख, वो स्पाइडर, वो बकौला, उसकी चमकती हुई आंखें देख इंद्रजीत, और ये ठहरे हुए हाथ, ये तुझसे लिपटने के लिए बेताब है। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, बुलंदियों की तरफ। हाथ उठा इंद्रजीत, उठा हाथ, झूले आसमान, पूरक नामुमकिन, नामुमकिन। आसमान ऊपर कभी किसी को जगह नहीं देता, न कभी उसने दी न कभी वो देगा। हर ऊंची जाने वाली चीज को पलक देता है ये बेरहम, पलक देगा तुझे भी नीचे पथरीली जमीन की छाती पर, मिटा देगा तेरा नामो निशान। विजय ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अदालत ने उसके हालात और उम्र को मद्देनजर रखते हुए उसे 2 साल कैद की सजा दी। याद रखिया ये प्यार के, याद रखिया ये प्यार के, प्यार से बने ये सारे गीत संसार।